पत्रकार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार समाज के सभी वर्गों का, सभी घटकों का, सभी दल का समर्थन मिलता जा रहा है। सुबह सुहेलदेव पार्टी के बड़ा घटक टूट के आया, शामिल हुआ। पिछले दिनों से गुलाब जितने निषादों की पार्टी थी सबने किया। राजपूतों में जबरदस्त आक्रोश है। लोकतंत्र में गालियों का हिसाब अब बुलेट से नहीं, बैलेट से लिया जाता है, जो लगातार अपमानित करने का समाज के सभी वर्गों का किया है। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा महाराणा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शशि प्रकाश सिंह जी का, जिन्होंने अपना समर्थन पत्र अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से भेजा है। और क्षत्रिय समाज का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, वचन देता हूँ कि इस लड़ाई में, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में, वैसे भी घोसी की धरती स्वर्ग कल्पनाथ राय की धरती, अलगोर राय शास्त्री से लेकर स्वर्ग कल्पनाथ राय की धरती संस्कार की धरती है, सम्मान की धरती है, संघर्ष की धरती है, त्याग की धरती है। यहाँ ऐसे लोग जो अस्तरहीन आ जाते हैं, जो ऐसे अस्तरहीन लोग आ जाते हैं जिनकी शालीनता से कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक, गाली देना, मारना, जूते मारना, डकैती छिनती की बातें करना जिनका संस्कार है, उनका जवाब घोसी की जनता 1 तारीख को बैलेट के माध्यम से देगी, क्योंकि बुलेट वाला नहीं है, बैलेट वाला जमाना है। और मैं इसके लिए समाज के सभी वर्गों का, उन सभी दलों का, संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, घोसी के सम्मान की लड़ाई में, घोसी के विकास की लड़ाई में, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में मुझे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस संबंध में, इस पत्र के साथ। पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाए। आप जिला अध्यक्ष हैं इस पार्टी का, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आए हैं और आप बोल दीजिए कम समर्थन कर रहे हैं। जी पर्ची बताइए अध्यक्ष जी अपना। महाराणा जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, और आज मुझे सपा को समर्थन करना है। महाराणा जनता पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, और हम सपा को समर्थन कर रहे हैं। सोच के समर्थन कर रहे हैं आप, क्या वजह रही? पूरा राजपूत समाज को गाली दे रहा है, यहाँ पे कोई प्रत्याशी बोला राजपूत समाज को गाली कर रहा है प्रकाश जी, हम लोग ये गाली सुनने के लिए वोट नहीं देंगे। हम सपा को समर्थन कर रहे हैं अपना पूरा। आज तक एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई भारतीय समाज पार्टी के नेता गाली दे रहे हैं माँ बहन की राजनीति, क्या है उससे नाराजगी है? क्या उसी से नाराजगी है? कौन नेता है, क्या गाली दे रहे हैं? कोई उन्हीं के पदकारी है गाली दे रहा है। अब तक मैं अभी क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा, लोकतंत्र में बैलेट जवाब होता है। जब बैलेट के बारी आ गई तो खड़े हो गए, जब लड़ाई होती है तब फायर करती है सेना के पहले फायर करती रहती है। अब ओम प्रकाश राजभर के बाद अब राजमंत्री दानिश आजाद भी अपने नाचियों को धमका रहे हैं, एक वीडियो उनका भी वायरल हो गया फोटो। ये जो लोग धमकाने की राजनीति करते हैं, जो लोगों को गाली गलौज की राजनीति करते हैं, उन धमकाने वाले मंत्रियों को राजीव राय का जवाब सुन लीजिए। ये धमकाने की भाषा बंद कर दीजिए, नहीं तो घोसी में एंट्री घोसी की जनता बंद कर देगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, सलाह दूंगा कि ऐसे मंत्री आपकी छवि को भी खराब कर रहे हैं, कैबिनेट की जो ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है उसको भी खराब कर रहे हैं। जो मंत्री डकैती और छिनैती के लिए लोगों को भड़काए उसको तत्काल बर्खास्त करिए, और जो लोगों को धमका रहे हैं, मैं चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज करो। और मैं घोसी की जनता से कहता हूं कि पंडित अलगू साय की शास्त्री से लेकर कल्पनाथ राय की धरती के मेरे बहादुर जवानों, मेरे घोसी के मालिकों, मेरे घोसी के नौजवानों, आप ऐसे लोगों को उनकी औकात और हैसियत दिखाने का काम 1 तारीख को करिए। देखिए, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है
जो मुझे सहयोग नहीं कर रहा है। निस्संदेह समाज का एक प्रभावशाली तबका अगर इस लड़ाई में मेरे साथ खड़ा होता है तो ये तो मैं कह नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा छोटापन हो जाएगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा और भरोसा दूंगा कि उनके मान और सम्मान की जिम्मेदारी राजीव राय की है। पूरे शहर में बीजेपी वाले अपना पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं, खुलेआम आचार सिंह धज्जिया उड़े, अधिकारी का जवाब नहीं दे रहे। इस पर शिकायत करने पे भी अधिकारी अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो जनता इसका संज्ञान ले रही है। जनता संज्ञान ले रही है कि इस सत्ता का कैसा नंगा नाच हो रहा है, कैसा तांडव हो रहा है। कभी मंत्री, कभी जिला के प्रथम नागरिक को अपना अपने को उसका मालिक बताता है, कभी प्रधानों को धमकाता है, कभी माइनॉरिटी को धमकाता है। इन मंत्रियों की हैसियत इतनी है कि जनता जब इन्हें पैदल कर देगी तो कोई सलाम करने वाला नहीं होगा। ये सवाल ही आपका है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है, जब होता है तब आरोप लगाता है, हमेशा आरोप नहीं लगाता है। और जो होता है वो आप दिखाते हो, पहली बात आप इसको ये नहीं, जो होता है आप दिखाते हो, तो जो हमें तैयारी है रणनीति का खुलासा भी कर दें तो प्रशासन फिर क्या करेगा, जवाब दिया जाएगा। केशव मौर्य जी कहे हैं कार्यक्रम में कि 4 तारीख के बाद अखिलेश यादव नानी कर जाएंगे और राहुल गांधी भी, तो सिराथु कब लौट के जाएंगे जहाँ से लोगों ने पैदल कर दिया था, गले में स्टूल टांग के चले जाएँ। कभी आप पत्रकार साथी, कभी उनके विभाग, मुझे लगता है कि आपको 90% विभाग पत्रकारों को ये भी याद नहीं होगा कि उनका विभाग कौन सा है, क्यों विभाग के बारे में तो कुछ बोलते नहीं हैं। एक चपरासी है, क्लर्क पर उनकी ऐसे चलती नहीं है, उनको पटर 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 बोलते रहने के लिए है, उनकी दुकान से लोगों को गालियाँ देना। वो छोटे ओम प्रकाश हैं, तो छोटे ओम प्रकाश राजभर हैं, इन दोनों की दुकान सिर्फ इसी पर चलती है। एक को स्टूल पकड़ा दिया गया था, सिराथु की जनता ने वहाँ से भगा दिया था, दूसरे को जो लोग ट्रीटमेंट देते हैं आप जानते ही हैं। परसों योगी जी आए हुए थे मंच से, एक भाषा में कहा कि इसके बाप ने इसको बुढ़ापे की छड़ी थमा दिया है, लैंग्वेज एक थी। अब माननीय योगी जी कितना सम्मान करते हैं, है ना, वो कहना ये चाहते थे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम घोसी के बेरोजगार नौजवानों को छड़ी, उनके माँ बाप को बुढ़ापे की छड़ी, नौजवानों को रोजगार नौकरी देकर करें। हम वो तो कर नहीं पाए, ये बाप अपने बेटे को छड़ी पकड़ा दिया, उसका जनता समझ गई है कि जोगी जी क्या कहना चाहते हैं। हमारे घोसी के मालिकों को, बुजुर्गों को, माँ बाप को बुढ़ापे की छड़ी छीन लेने वाले, बुढ़ापे का सहारा छीन लेने वाले, हमारे नौजवानों को बेरोजगार कर देने वाली सरकार को जनता बेरोजगार कर देगी। और घोसी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश देकर चले गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संदेश देकर चले गए हैं कि इसके बाप ने इसके अपने बेटे को छड़ी दे दिया है, बाप ने बेटे को दिया है, हमारे तो नौजवानों के माँ बाप को छड़ी चाहिए थी, तो जनता दे देगी जवाब। मंच पे योगी जी का पैर पकड़ लिए अरविंद केजरीवाल, तो उसके नीचे मैं देखा एक वीडियो वो भी चल रहा था कि उनके बारे में क्या कहते थे कि जूते पॉलिश करते, क्या बोलते थे, जूते पॉलिश करते थे, तो दिखा रहे हैं कि हमारा बेटा क्या करता है। देखिए जोगी का सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति इस तरह बोला करता था, हाँ, वो शख्स जो तुमसे कदमे बड़ा था देखा तो किसी और के कदमों में पड़ा था।